और चलिए दुर्ग जिले की बात करेंगे, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की फिजाओं में राजनीतिक रंग घुलता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि दुर्ग भी एक VVIP जिला है, इसलिए BJP इस पर विशेष फोकस कर रही है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा सामाजिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं BJP प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने बताया कि BJP एक ऐसा राजनीतिक दल है जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर हमेशा कार्य करता है के हित में काम कर सके। छत्तीसगढ़ का खुशहाली, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा रही है, सब मिलजुल कर सब समाज के लोग एक साथ रहकर काम करते हैं। और जो भूपेश बघेल की सरकार में आज छत्तीसगढ़ अशांत हो रहा है, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, इससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिले और इसलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम उनको बुलाकर एक मंच में, बड़े मंच में सम्मान करना, भाजपा के किसान पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा की सबसे बड़ी संस्था संसदीय बोर्ड के सम्मानित सदस्य के लक्ष्मण जी का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उनके द्वारा इन समाज के लोगों का सम्मान होना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इतने बड़ी सक्सेस का दुर्ग नगर में आना, ये भी बहुत गौरव का विषय है।